हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आए हैं धामरा के फिशिंग हार्बर में, जो धामरा भद्रक में है। और यहाँ से फिश वगैरह और दूसरे मराइन चीज़ें इंडिया के हर जगह ट्रांसफ़र होता है। धामरा फिशिंग हार्बर धामरा गांव भद्रक जिला में धामरा नदी के उत्तरी तट में स्थित है। धामरा फिशिंग हार्बर से 7 किलोमीटर दूर, जहां से धामरा नदी बंगाल की खाड़ी से मिलती है, निकटतम एयरपोर्ट भुवनेश्वर है और रेलवे स्टेशन भद्रक के चरमपा में है। सड़क मार्ग से भद्रक से दूरी 80 किलोमीटर और भुवनेश्वर लगभग 220 किलोमीटर है। माँ धामरई देवी की मंदिर के किनारे धामरा रिवर बहती है, तो जो नाव यहाँ से समंदर को जाते हैं वो यहाँ से प्रार्थना करके जाते हैं। धामरा और आसपास के गांव में पारंपरिक रूप से लंबे समय से मछुआरे रहते हैं और वे अपने आजीविका चलाने के लिए मछली पकड़ने और उससे जुड़ी गतिविधियां पर निर्भर हैं। 1980 के दशक से पहले ये मछुआरे बहुत गरीब थे और उनके पर कैपिटा इनकम आय औसत से कम थी। নানা এটা কি মাছ धामरा फिशिंग हार्बर एक अंतर्राष्ट्रीय मानक हार्बर है और यह फर्स्ट हार्बर है जो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी द्वारा सर्टिफाई किया गया है और यूरोपीय संघ द्वारा निर्दिष्ट यूरो मानक मछली भोजन को पूरा करता है। इस हार्बर को मार्च 1978 में बनाया गया था। यहाँ पर मिलने वाले विभिन्न प्रजातियों मछलियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में उच्च मांग है।
इन सभी फिश लैंडिंग को उचित कोल्ड चेन के साथ बनाए रखा जाता है और बाजार में अच्छी कीमत प्राप्त करने के लिए मूल्यवर्धन के लिए हाइजेनिक तरीके से संशोधित किया जाता है, जो कि गुणवत्ता के रखरखाव के लिए हार्बर अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है। घाटों में उतरने वाले प्रमुख प्रजातियां हैं पॉम्फ्रेट, झींगा, बॉम्बे डॉक, हिल्सा, मैकरल, जोनियस, रिवन मछली, मेगालोप्स, बोरी इत्यादि। फ्रेश मछलियों के साथ साथ यहाँ से डिफरेंट टाइप्स के ड्राई फिश भी बाहर को सप्लाई होती है। हार्बर के कुछ दूर आगे धामरा नदी और मैंग्रोव फॉरेस्ट के साथ साथ नज़ारा काफ़ी सुंदर दिखता है। यहाँ मछलियों के परिमाण ज़्यादा होने के कारण धामरा नदी के किनारे वाले मैंग्रोव फॉरेस्ट में विभिन्न पक्षियों के भरमार दिखने को मिलता है।